हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग में इरिगेशन इंजीनियरिंग का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डाइवर्जन हेडवर्क्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज डाइवर्जन हेडवर्क्स। डाइवर्जन हेडवर्क्स इज अ स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर फॉर राइजिंग ऑफ वाटर लेवल एंड ऑल्सो डाइवर्ट द वाटर फ्लो। ये एक रिवर है और रिवर के अक्रॉस में हमने डाइवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्शन करी हुई है। जैसे यहाँ पर ये रिवर फ्लो हो रही है, उसके अक्रॉस में हमने एक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ताकि वो पानी को, जो आपके पास एक्स्ट्रा वाटर है, उसको वो स्टोर कर पाए या फिर कंट्रोल कर पाए। जब आपके पास इन टाइम्स ऑफ अक्रेंस ऑफ फ्लड आता है तो उस फ्लड के पानी को ये डाइवर्ट भी करता है और इस पानी को ये कैनाल की ओर भी डाइवर्ट करता है। सो डाइवर्जन हेडवर्क सिर्फ पानी को ही डाइवर्ट नहीं करता, ये पानी को स्टोर भी करता है अक्रॉस द रिवर। एंड डाइवर्जन हेडवर्क्स इज ऑल्सो नोन एज कैनाल हेडवर्क्स। वियर एंड बैराज आर द टू डाइवर्जन हेडवर्क स्ट्रक्चर्स। मतलब वियर और बैराज ये डाइवर्जन हेडवर्क के ही स्ट्रक्चर हैं। इसका काम भी पानी को स्टोर करना, वाटर को डाइवर्ट करना और सरप्लस वाटर को ओवरकम करना या फिर डाइवर्ट करने का काम ही वियर और बैराज का होता है। सो इट इज़ ऑल्सो टाइप्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स। इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कैनाल हेडवर्क्स। कैनाल हेडवर्क्स ऑल्सो नोन एज डाइवर्जन हेडवर्क्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इनका काम भी क्या होगा कि पानी को स्टोर करना, वाटर को लिफ्ट करना और पानी को ट्रांसफ़र करना कैनाल में। कैनाल हेडवर्क्स मे बी क्लासीफाइड एज टू टाइप्स, डैट इज़ टेम्प्ररी कैनाल हेडवर्क्स और परमानेंट कैनाल हेडवर्क्स। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि टेम्प्ररी कैनाल हेडवर्क्स क्या होगा और परमानेंट कैनाल हेडवर्क्स क्या होगा। फर्स्ट वन इज टेम्प्ररी कैनाल हेडवर्क्स। इट इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू डाइवर्ट द वाटर फ्लो एंड ऑल्सो कंट्रोल द फ्लड वाटर। इसमें भी हम फ्लड वाटर को कंट्रोल करेंगे और अक्रॉस द रिवर ही ये स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वट इज़ इट इज़ टेम्प्ररी कैनाल हेडवर्क्स, मतलब ये जो स्ट्रक्चर अक्रॉस द रिवर बनेगा वो टेम्प्ररी होगा। मतलब बिफोर अक्रेंस ऑफ फ्लड, जब फ्लड आ रहा होगा उससे पहले हम इस स्ट्रक्चर को अक्रॉस द रिवर बनाएंगे और फ्लड ख़त्म होने के बाद या फ्लड स्टॉप होने के बाद अगेन हम इस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि जब फ्लड आएगा तो हमने ये टेम्प्ररी स्ट्रक्चर बनाया होगा और वो टेम्प्ररी स्ट्रक्चर उस फ्लड के पानी को स्टोर करेगा, कंट्रोल करेगा और डाइवर्ट करेगा। मतलब वाटर लेवल जो है उस अक्रॉस द रिवर से में जो टेम्प्ररी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उस स्ट्रक्चर से वो अक्रॉस होगा फ्लड वाटर, और जैसे ही वो राइज होगा वाटर या फिर अक्रॉस होगा वो स्ट्रक्चर से पानी, तो वो स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो जाएगा। सो अगेन उस स्ट्रक्चर को वहाँ को बनाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी फ्लड आए तो वो टेम्प्ररी स्ट्रक्चर उस दौरान यूज़ किया जाए। सो बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम हम टेम्प्ररी हेडवर्क्स के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए। नाउ सेकंड वन इज़ परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क। परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क भी बाकी डाइवर्जन हेडवर्क की तरह ही होगा। मतलब अक्रॉस द रिवर ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसका काम होगा वाटर को स्टोर करना, वाटर लेवल को राइज करते हुए उस वाटर को ट्रांसफ़र करना रिवर या फिर कैनाल में। सो वर्क उसका सेम रहेगा, बट इट इज़ परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क्स। और परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क्स में मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हुए हैं, वियर और बैराज। वियर और बैराज ऐसे दो स्ट्रक्चर हैं जो कि वाटर लेवल को राइज करते हुए वाटर लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं, लिफ्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। प्लस क्या करते हैं कि ये वाटर को स्टोर भी करते हैं, मतलब सरप्लस वाटर को भी ये स्टोर करते हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा वाटर होता है डैट इज़ सरप्लस वाटर। तो सरप्लस वाटर को भी ये स्टोर करेंगे। अब सरप्लस वाटर आएगा कैसे? सरप्लस वाटर अगर वहाँ पे फ्लड आ रहा है तो उस फ्लड के वाटर को, जो वहाँ पास एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, उस एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करना बट शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए, और उस वाटर को स्टोर करते हुए आगे को उसको ट्रांसफ़र करना, लिफ्ट करना कैनाल की ओर, ताकि जो फ्लड का एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। सो वियर और बैराज ये दोनों ही स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि वाटर लेवल को कंट्रोल भी करते हैं, फ्लड वाटर को कंट्रोल करते हैं, स्टोर करते हैं और लिफ्ट करते हैं कैनाल की ओर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि वियर और डैम के बीच में क्या डिफरेंस है। सो काम दोनों का सेम है,
मतलब जो वियर है वो पानी को स्टोर तो करता ही है, प्लस वो पानी को डाइवर्ट भी करता है। लेकिन यहाँ पर हम डैम की बात करें तो डैम का काम भी सरप्लस वाटर या फिर एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करना ही होता है। लेकिन डैम का जो वाटर है जो उसमें हम स्टोर करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर होता है, और वियर का जो वाटर है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर होता है। मतलब इन टाइम्स ऑफ फ्लड जब आता है तो वियर में अगर वहाँ पर सरप्लस वाटर या फिर फ्लड का एक्स्ट्रा वाटर वहाँ पर स्टोर हो रखा है तो उस वाटर को हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर करेंगे, और उसके बाद उसको हम राइज करते हुए या फिर लिफ्ट करते हुए उसको कन्वर्ट कर देंगे कैनाल में फर्दर आगे, ताकि उस पानी को हम कंट्रोल कर सकें। और डैम में जो है लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए पानी स्टोर होता है, और यहाँ पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर होता है। सो यही मेन एक डिफरेंस है डैम और वियर के बीच में। बाकी इनकी हाइट को लेकर डिफरेंस रहता है। डैम में जो है हाइट ज़्यादा होती है, मोर होती है, एज़ कम्पेयर टू वियर में हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो लेस होता है। अब परमानेंट डाइवर्जन हेडवर्क्स की बात हो रही है, मतलब दो स्ट्रक्चर को हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेट इज़ बियर और बैराज। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बियर और बैराज के दोनों स्ट्रक्चर्स में, कि क्योंकि दोनों का काम सेम होता है, वाटर को स्टोर करना। अक्रॉस द रिवर ये दोनों ही बनाए जाते हैं, बट इनका काम भी सेम ही है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये रहता है इनकी हाइट को लेकर। वियर और बैराज दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि अक्रॉस द रिवर बनाए जाते हैं, ताकि फ्लड के पानी को वो कंट्रोल करें, स्टोर करें, और जब रिक्वायरमेंट हो तो वो आगे को हम उसको लिफ्ट कर पाएँ, वाटर को लिफ्ट कर पाएँ आगे फर्दर में या फिर कोई भी कैनाल में। लेकिन अब इसमें डिफरेंस है क्या वियर और बैराज में? इसमें सेपरेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वियर और बैराज? सो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले ये वियर का स्ट्रक्चर है, ये हाइट ऑफ द क्रस्ट है, दिस इज क्रस्ट जो कि कंक्रीट का बना होगा। ये साइड व्यू है आपको बताया हुआ बियर का, ये जो कंक्रीट का बना होगा ये स्ट्रक्चर साइड व्यू, दिस इज क्रस्ट लेवल जो कि यहाँ पे एरो से शो किया हुआ है, क्रस्ट लेवल। ये क्रस्ट हाइट है, ये शटर है, शटर या फिर गेट हम इसे बोलेंगे, और ये आपके पास वाटर लेवल है। क्रस्ट लेवल, शटर या फिर गेट, और ये क्रस्ट की हाइट जो कि सॉलिड किसी कंक्रीट से बना होगा। सो बियर में मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशंस वाटर स्टोरेज की रहती है हाइट ऑफ द क्रस्ट की वजह से। मतलब जो यहाँ पर मैक्सिमम वाटर स्टोर होगा वियर में, वो मैक्सिमम वाटर स्टोर होगा ड्यू टू द हाइट ऑफ द क्रस्ट, क्योंकि हाइट ऑफ द क्रस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ द गेट। सो मेन डिफरेंस इसमें यही रहता है कि हाइट ऑफ द क्रस्ट ज़्यादा होती है इन केस ऑफ बियर, और हाइट ऑफ द क्रस्ट, क्योंकि ये भी आपके पास क्रस्ट लेवल ही है बैराज के केस में, और ये आपके पास हाइट ऑफ द क्रस्ट है। सो डिफरेंस इसमें आपको मैं वन बाय वन साथ में ही बता रहा हूँ, हाइट ऑफ द क्रस्ट इन केस ऑफ बियर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ द क्रस्ट इन केस ऑफ बैराज लेस होगी। वैसे यहाँ पर आप देख रहे हो शटर या फिर गेट, हाइट ऑफ द शटर इन केस ऑफ बियर लेस है, एंड हाइट ऑफ द गेट या फिर शटर इन केस ऑफ बैराज ज़्यादा है। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइट आपकी यहाँ पर क्रस्ट की है। सो जो वाटर स्टोर हो रहा है वो ज़्यादा पानी स्टोर हो रहा है ड्यू टू द हाइट ऑफ द क्रस्ट, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वाटर स्टोर हो रहा है यहाँ पर वो स्टोर हो रहा है ड्यू टू द गेट, क्योंकि गेट ऑफ द हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ द क्रस्ट इन केस ऑफ बैराज। ठीक है, तो डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशंस रहेगी वाटर स्टोरेज की ड्यू टू द हाइट ऑफ द क्रस्ट इन केस ऑफ बैराज। सो यही था डिफरेंस वियर और बैराज के बीच में। आई होप आप सभी को समझ आया होगा जो टॉपिक्स आज हमने कवर किए हुए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का टॉपिक करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैनाल हेडवर्क्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।